ये है मेरा होम टूर पार्ट टू। सिम्बा नहीं, सिम्बा रेड गद्दी पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, क्या चाहिए भूकर सिंह? दिस इज माय डिस्प्ले यूनिट। चलो आगे दिखाते हैं घर, आ जाओ। हाय गाइस, गरिमा'स गुड लाइफ एंड सिम्बा'स पग लाइफ वेलकम्स यू टू गरिमा'स पैराडाइज। ये है मेरा होम टूर पार्ट टू, बिकॉज आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने इस घर को, नए घर को कैसे रेडी किया है। शुरुआत करते हैं मेरी इस नेम प्लेट से। आप ये आर्टिस्टिक नेम प्लेट देख रहे हो यार, ये ना मेरी फ्रेंड ने ऐसा हैंडमेड नेम प्लेट मुझे बना के दी है, और इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है। ये जो सारे फ्लावर्स वगैरह हैं ये नकली हैं, ये हमने ऊपर से ऐसा अटैच किए, एंड माई फ्रेंड एक्चुअली पेंटेड दिस होल गोल्डन थिंग। अच्छा एक चीज़ और, ये देखो मैंने यहाँ पे क्या दिमाग लगाया है गाइज, जूते पहनने के लिए जो गेस्ट आते हैं यहाँ पे ऐसा बैठ के वो लोग शू पहन सकते हैं। वाओ, चलो इसको यहीं छोड़ देते हैं। ओके बाय फ्रेंड्स, होम टूर शुरू करने के पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना पड़ेगा मेरे नए चैनल गरिमा'स POV को, विच इज़ माई न्यू पॉडकास्ट चैनल, जहाँ पे मैं डी कोड करती हूँ ग्लैमर वर्ल्ड की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें। आई एम लिंकिंग माई चैनल राइट हियर, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और चलो अब आपको अपना ये नया घर दिखाती हूँ। गाइज देखो, इस घर का इंटीरियर मैंने बहुत मिनिमलिस्टिक रखा है, ज़्यादा तामझाम नहीं किया है, बट आई विल शो यू कि मैंने घर की सेटिंग पिछली बार से कैसे चेंज की है। ये देखो, ये जो हमारा सोफा है ना, इसको मैंने यहां पर एल शेप कर दिया है ताकि ये एक ऐसा कॉर्नर बन जाए बैठने के लिए। और यहां पर देखो मैंने थोड़े से प्लांटर्स लाए हैं, ये मेरा फेवरेट है, कितना क्यूट है ना सिंबू, ये वाला बताओ। इस घर की अच्छी बात यह है कि मेरे सोफे का कलर फॉन कलर का है और सिम्बा का कलर भी सेम ही है, तो जितने मर्जी ये बाल गिरा ले इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि सोफे पे सिम्बा के बाल हैं, है ना सिम्बू। चलो आगे दिखाते हैं घर, आ जाओ। एंड फ्रेंड्स, दिस इज माई डिस्प्ले यूनिट। ये देखो नीचे मेरा गोल्डन प्ले बटन, डायमंड दिलवा दो यार जल्दी से, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। और ये रहे मेरे बाकी सारे ट्रॉफीज, सिम्बू का भी है। ओके, द नेक्स्ट चेंज दैट आई हैव मेड इज दिस डाइनिंग टेबल, इसको भी मैंने ना इस छोटू से कॉर्नर में शिफ्ट कर दिया है, बड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे शूट करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए और सिम्बा जी को घूमने के लिए। क्या चाहिए भूकर सिंह? पहुंच गया ये डाइनिंग टेबल के पास अपना कॉर्नर ढूंढ के। फ्रेंड्स लास्ट टाइम आपको याद है यहाँ पे ना ब्लैक कलर का ऐसे ग्रेनाइट लगा हुआ था, मैंने उसके ऊपर ये रेड कलर की गद्दी डलवाई है और साथ में मेरे यहाँ पर कुशन्स हैं। सिम्बा नहीं, सिम्बा रेड गद्दी पे नहीं, नहीं नहीं नहीं, सिम्बा रेड गद्दी पे नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें बाल दिखेंगे, इसमें बाल दिखेंगे, चलो हाँ गुड बॉय। My eternal favorite, my palm tree. ये वाला मेरा shooting corner है। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आपका भी बता रही हूँ, आपका भी shooting यहीं पे ही होगा। Now let me show you the kitchen. वैसे किचन में मैंने ज़्यादा changes किए नहीं हैं क्योंकि मुझे पूरी की पूरी modular kitchen मिली थी, बस मैंने यहाँ पे ना अपना सारा सामान अलमारियों में fit कर दिया है। मेरा favorite corner आप लोगों को दिखा देती हूँ, जो कि है ये tea coffee corner। यहाँ पे मैंने सारे बहुत ही अच्छे अच्छे sachets ला के रखे हैं। ये हमारा water kettle है जिसमें हम पानी गर्म करते हैं और मस्त दिन भर चाय कॉफी पीते हैं, पीना नहीं चाहिए फिर भी पी लेते हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको सिम्बा की ड्रॉअर, क्योंकि सिम्बा यहाँ से अपना खाना आ आके चेक करता है, ये किसका खाना है, किसका सामान है, ये लो दिन में खाना मिल गया तुमको, बाश आ जाओ चलो बेडरूम नंबर 1 दिखाते हैं सबको, कम देख
ठना, दिस इज बेडरूम नंबर वन। याद है आप लोगों को ये कैसा दिखता था? नहीं याद है तो डाल देती हूँ विजुअल। मैंने इस रूम की पूरी काया पलट कर दी है। मैंने यहाँ पे अपना पूरा वर्क स्टेशन बना लिया है। ये देखो पॉडकास्ट, इसी की एडिटिंग चालू है, देख लेना प्लीज। दोबारा से प्लग इन कर रही हूँ। वॉच गरिमास POV, सब्सक्राइब। ऑल राइट, ये मेरा सारा इक्विपमेंट है, शूट का भी सारा इक्विपमेंट इसी रूम में है। इस पूरी अलमारी में भी शूटिंग का सामान है। सिम्बा, You missed the room tour, okay? Now let's go to room number 2. Guys, ये है bedroom number 2, याद है ना? ये मेरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम, जिसकी हालत बहुत ही खराब है। ये नहीं दिखाऊंगी, यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, जैसा था ना वैसा का वैसा ही है। चलते हैं बेडरूम नंबर 3 में, आ जाओ। ये वाला ना मेरा स्टाइलिंग रूम है और मैं आपको यहाँ पे अपनी वार्डरोब दिखाती हूँ। So, this side of my wardrobe is completely Indian wear. सारे कपड़े यहाँ पर लगे हुए हैं, ऊपर भी इंडियन कपड़े हैं। और यहाँ पर ये देखो, इस साड़ी को कितने अच्छे से डिस्प्ले करके इसके पीछे मैंने सारे PR boxes वगैरह, जो एक्स्ट्रा सामान आता है ना, वो छुपा दिया है। और ये वाले जो ड्रॉर्स हैं, इनमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्स्ट्रा स्किन केयर और मेकअप का सामान इकट्ठा किया है। नाउ लेट मी शो यू द अदर साइड ऑफ दिस वार्डरोब, जो मेरी ज़्यादा फेवरेट साइड है। अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। दिस इज माई एक्सेसरी साइड। ऊपर मैंने सारे के सारे अपने ब्रांडेड डब्बे डिस्प्ले कर रखे हैं। कैसा लगा आप लोगों को ये डिस्प्ले, नीचे कमेंट्स में बताना। और यहाँ पर हैं मेरे सारे के सारे बैग्स। ऊपर की साइड बड़े वाले टोट बैग्स हैं, ये वाला थोड़ा सा मैसी हो गया है, बट यहाँ पे छोटे वाले बैग्स हैं। और नीचे और जूते हैं। यस, मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ गाइस, मुझे बहुत सारे सामान की जरूरत लगती है। कमिंग टू दिस सेक्शन, जो कि है मेरा स्टाइलिंग रैग, जो आने वाले मेरे शूट्स होते हैं उसके लिए मैं सारे कपड़े इकट्ठे कर इन्हें बाहर रखती हूँ, वरना मैं भूल जाती हूँ कि मेरे पास है क्या क्या। सो गाइज, हमारा नया घर तैयार है, सिम्बा तैयार है, मैं तैयार हूँ वापस से चैलेंज वीडियोस बनाने के लिए। आप लोगों को कौन सा चैलेंज देखना है नीचे कॉमेंट्स में बताते जाना। ऑल राइट, और अगर ये वीडियो अच्छी थी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, करते सबको, टाटा टाटा। फिर से खाने को मिलेगा आपको चैलेंज वीडियोज़ में।